मैंगो का सीजन है, फ्रूटी जूस किस तरीके से आप बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी। आम का सीजन है, मैंगो का सीजन है, फ्रूटी जूस किस तरीके से आप बना सकते हैं जो मार्केट से डब्बे में या बोतल में आप लेके आते हैं। वैसे तो ये हर फर्द को पसंद है लेकिन बच्चों का फेवरेट होता है। ये किस तरीके से बना के अपनी फैमिली को दे सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनेगा, कितने दिन तक आप इसको सेव रख सकते हैं, किस तरीके से रख सकते हैं, दो से तीन चीज़ों से बनाने का तरीका बता रहा हूँ। ज़्यादा रफड़ ही नहीं पा रहे, शॉर्ट अल्फाज में बयान करने लगा हूँ, तवज्जो से देखें। हमने फ्रूटी जूस तैयार करने के लिए मैंगो का ये चौंसा आम ले लिए, तीन अदद जिनका वजन एक किलो बनता है, एक ही हमने कच्चा आम ले लिया जिसको आप कैरी भी कहते हैं। ठीक हो गया, कच्चा आम इसके जो फ्लेवर को, इसके जो टेस्ट को बैलेंस करने के लिए काम आएगा। इन सब को हम छीलने लगे हैं इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूटी जूस तैयार करने के लिए मैंगो फ्रूटी जूस, ये हमने तीन आम जो चौंसा थे इनको छील लिया, एक कच्चा आम कैरी को छील लिया, इसमें डाल देंगे जूसर वाले जग में इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। आप कहेंगे कितना टेस्टफुल बने और मार्केट जैसा आपको टेस्ट आएगा घर में, कमाल का हो जाएगा और ख़राब भी नहीं होगा। तीन आम हमने इसमें काट लिए, अब हम ये कैरी काटेंगे। आप इसको सिंदड़ी आम से बना सकते हैं, चौंसा आम से बना सकते हैं, फजरी आम से बना सकते हैं। इन तीन वैरायटियों में कुदरती तौर पर इनमें रेशा नहीं होता या कम होता है, इसके अलावा किसी से बनाएंगे आम से तो उसके अंदर रेशा होता है, वो सही नहीं बनेगा। ठीक हो गया, ये कैरी इसमें काट लें। ये काटने के बाद हाथों को अच्छे तरीके से साफ कर लिया, एक गिलास पानी का भर के इसके अंदर शामिल करेंगे इस तरीके से, और ऊपर से कवर लगा देंगे। इसका बहुत प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। बंद कर देंगे, एक से डेढ़ मिनट चलाया, बड़ा स्मूथ सा हमारा ये इस तरीके से, ये देखें पल्प निकल के आ गया इस तरीके से। यहाँ पे रख देंगे, वर्किंग टेबल को अच्छे तरीके से क्लियर कर देंगे, चूल्हा यहाँ फिट कर देंगे, फिर आपसे मिलते हैं। चूल्हा ले लिया इसके साथ का, फ्लेम को ऑन कर देंगे, इस पल्प को इसके ऊपर चढ़ा देंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा और इसको ऊपर से कवर लगा देंगे, 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। दूसरा चूल्हा ले लेंगे, फ्लेम को ऑन कर देंगे, फ्लेम ऑन करके इसके अंदर हम 1.5 लीटर पानी शामिल कर देंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको भी हम 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया, दोनों चीज़ों को पकते हुए 8 मिनट हो गए, अब इसका कवर उठाने लगे हैं। इस टाइम पे आके 8 मिनट के बाद इस तरीके से, अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तो फिर आपको साथ ठहरना पड़ेगा, मैं नॉन स्टिक में बना रहा हूँ इसी वजह से मैंने इसको कवर करके 8 मिनट के बाद मीडियम फ्लेम पर चेक किया। 8 मिनट के बाद इस टाइम पर आके ये मेरे पास एक प्याली इस तरह की चाय की भरी हुई शुगर है, चीनी, ये शामिल कर देंगे और अब चीनी को इसके अंदर हल होने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम फ्लेम रहेगा, 3 से 4 मिनट मजीद इसको पकाएंगे। पानी इधर पक रहा है, देखें इस टाइम पे आके जब पानी को 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से पक जाए, फ्लेम को बंद कर दें। चीनी मेल्ट हो गई और 3 से 4 मिनट अच्छे तरीके से हमने इसको पका लिया। इस टाइम पे आके इस तरह के एक प्याली ले लेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी सिरके की। लेमन जूस 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। ठीक हो गया, ये तमाम चीज़ें इसके टेस्ट को, इसके फ्लेवर को बैलेंस करेंगी। अच्छा, मेरे मुंह की तरफ करना कैमरे, अगर आप मार्केट में इसका कारोबार करना चाहते हैं, जो कुछ लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कारोबार कर रहे हैं, फ्लेवर मार्केट से हमक इसमें मिल जाते हैं, आप डाल सकते हैं। मैं आपको घर में घरेलू लेवल पे, छोटे लेवल पे बनाना सिखा रहा हूँ, इसीलिए आप डालना चाहते हैं डालें, नहीं डालना चाहते आप स्किप कर दें। इस तरह की बोतलें मार्केट से मिल जाती हैं, इनके अंदर फिलिंग करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसका फ्लेवर है आपके पास? ये मेरे पास चौंसा का फ्लेवर है, आप ये फ्रूटी में भी मिल जाता है, हमक इसमें फ्लेवर मार्केट से अवेलेबल है, मिल जाते हैं। जब आपने सिरका और लेमन जूस डालना है, इसको आपस में मिक्स करके डालना है। ठीक हो गया, अकेला अकेला नहीं डालना, मिक्स कर दिया, शामिल कर देंगे, शामिल करके सिर्फ 1 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, 1 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर देंगे।
अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप एक लीमू का रस भी डाल सकते हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे, स्ट्रेनर ले लेंगे, इसके साथ का जो पानी हमने अच्छे तरीके से बॉयल किया हुआ है 8 मिनट तक उसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये जो मोटा मोटा इसका था ना पल्प वगैरह था जो, या जो कुछ चीज़ ऐसी थी जो स्ट्रेनर से छनती नहीं थी, वो अलग से हो गई, बकाया सब कुछ हमने छान लिया। ठीक हो गया, इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से छान लेंगे। देखें वही फ्लेवर वही टेस्ट बिल्कुल आएगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको चेक करा दूँ थोड़ा सा इसको, ये इस तरीके से, ये देखें। अब इसको कंप्लीट हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ये ठंडा होगा रूम टेम्परेचर पे आएगा, उसके बाद हम मिलेंगे बर्फ निदाब देने। ठीक हो गया, कंप्लीट ठंडा कर लिया, रूम टेम्परेचर पे ले आए इसको। इसको आपने फ्रिज में ठंडा करना है, आपने बर्फ नहीं वैसे दाब देनी, फिर वो फ्रूटी वाला टेस्ट नहीं आएगा। गल समझ आ रही है? इसको यहाँ पे रख दें, इस तरह का एक जार ले लें, इसमें भी आप इसको सेव कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर में जिस तरीके से खवातीन करती हैं इस तरीके से, ये देखें, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह हैं। लेकिन ठंडा करने के बाद इस तरीके से इसको यहाँ पे ले आए, सर्व गिलास में किस तरीके से सर्व करना है आपने, इस तरीके से यहाँ पे ले आए। ये बोतलें जो मार्केट में मिलती हैं, शीशे की भी मिल जाती हैं डिस्पोजिबल मार्केट से, प्लास्टिक की भी मिल जाती हैं, ये रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से हमने ये बोतलें भी फिल कर ली। इस तरीके से कवर जो मार्केट से मिल जाते हैं डिस्पोजिबल, ये भी लगा सकते हैं आप, इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। और ये मुकम्मल, अब आपने क्या करना है, इसको मुकम्मल आपको गाइड किया, आपने करना ये है कि आपने इसको फ्रिज में रखना है। फ्रिज में रखने के बाद ये जब ये ठंडा होगा, कोई भी मशरूबात होता है, जूस होता है, वो ठंडा होकर ही अच्छा लगता है। फ्रूटी जूस जो आप मार्केट से लेके आते हैं, किस तरीके से आप तैयार करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह ये ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में रखें इसको बना करके, 1.5 माह तक ये ख़राब नहीं होगा। आपको मुकम्मल गाइड कर दिया आप मैंगो के सीज़न में किस तरीके से बच्चों के लिए फ्रूटी जूस तैयार कर सकते हैं। मैंगो फ्रूटी जूस कमाल का तैयार होगा, कमाल का इसका टेस्ट है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। आप बना के फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा बना। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, धूम याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।